सक्सेसफुल बनना दोस्तों, लेकिन सक्सेसफुल वही बनता है जो दूसरे की सक्सेस के टाइम पे दिल से ताली बजाता है। लास्ट वाले लोग, जो दिल से सक्सेसफुल बनना चाहता है वही दिल से ताली बजाएगा। और जितना बड़ा सक्सेस चाहिए उतनी बड़ी ताली बजाएगा और खुद के लिए बजाएगा दोस्तों। अभी आपके आवाज से भी पता चलना चाहिए क्या आप लोग सक्सेस बनना चाहते हो, तो आवाज में दम होना चाहिए दोस्तों। नमस्कार। आपके घर में आए बड़ी बड़ी कार, क्योंकि जो करता है दूसरों को नमस्कार वही पाता है अपने सपनों वाली कार दोस्तों। तो फिर से हो जाए नमस्कार। मतलब अच्छा आल का सगड़ा नजर आ गया। कितने लोग ये माय लाइफस्टाइल का भी ये पूरा कारवा देखने के बाद अंदर से आवाज आ रही है कि अगर ये सारे लोग कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं, मैं भी कर सकती हूं, ऐसा अभी कितने लोगों को यहां पे लग रहा है। यस यस, ये जो हाथ उठे हैं ना, ऊपर वाले ने भी देख लिए कि ये लोग सक्सेस बनना चाहते हैं, ऊपर से तथास्तु हो गया है, सिर्फ प्रोसेस अभी बाकी है। और दिल से आप लोगों को, सच में आप सभी को दिल से नमन करना चाहूंगा, क्योंकि मैं सवेरे 8 बजे यहाँ पे आया था, तब से लोग आना शुरू हो गए थे और पूरी धूप वहां से लेके सूरज यहां तक पहुंच गया, लेकिन आप अपनी कुर्सी से नहीं हिले। मैं चाहता हूं एक बार दिल से अपने आप के लिए जोरदार ताली हो जाए दोस्तों, अपने आप के लिए, अपने आप के लिए। ये जो आपने आज कर दिखा है ना, यही साबित कर रहा है कि आपके अंदर वो जुनून है, आप चाहते हो कि मुझे भी सक्सेस चाहिए, इसीलिए आज आप इतनी धूप में भी कुर्सी में बैठे हो। 100% पसीना निकला होगा, मैं एक ही बोलूंगा, ये आपकी जिंदगी का दरिद्री का लास्ट पसीना था। यहां से एक फ्रेश माय लाइफस्टाइल डिस्ट्रीब्यूटर आज निकलेगा और सपना लेकर निकलेगा कि मुझे भी ललित डोंगरे जैसा डायमंड बनना है। यस ऑर नो दोस्तों, वीडियो तो देख लिया, छोटा सा परिचय बताना चाहूंगा, क्योंकि मुझे एक बार ऐसे कहा था, मैं बचपन में सपने बहुत देखता था और बोलता था कि मैं ये बनूंगा, वो बनूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, तो मेरे पिताजी मुझे बोलते थे सपने मत देखना, क्योंकि सपने कभी पूरे नहीं होते। लेकिन मैंने माय लाइफस्टाइल में आने के बाद एक सपना देखा, डायमंड बनने का सपना देखा, तो क्या मेरा सपना पूरा हुआ? आवाज में दम दे, सपना पूरा हुआ? तो क्या अभी रुक जाए, क्या देखे और एक सपना? यहां बैठे हुए हर एक इंसान को डायमंड बनने का सपना, क्या देखना चाहेंगे? क्या आप भी डायमंड बनना चाहोगे? क्योंकि दोस्तों आज जो आप लोगों ने मान सम्मान दिया है, मुझे याद है जब मैं नांदेड़ में पहली बार आया था, शिव पार्वती करके एक मंगल कार्यालय में मैंने प्रोग्राम रखा था, 20 कुर्सियां रखी थी, 20 कुर्सियां, और 20 कुर्सियों में हमने 20 लोगों को इन्वाइट किया था, और वहां पे 5 लोग थे, वो सिर्फ हम ही थे, बाकी कोई नहीं था। और वो एक दिन और आज का एक दिन देख रहा हूं, उस दिन मैं लोगों की राह देख रहा था, लेकिन मैं डरा नहीं, रुका नहीं, नाराज हुआ नहीं, निगेटिव नहीं हुआ। वहां पे एक ही मालूम था कि कुछ भी शुरू करो उसकी शुरुआत छोटी ही होती है। और मैंने एक चीज देख ली कि भाई बाबा ये तो बहुत ही खतरनाक काम हो गया, क्योंकि मैं नासिक से आया था, मेरी कार से आया था, 5 लोग हम नासिक औरंगाबाद से आए थे, इधर 20 लोग बुलाए, एक भी नहीं। आपके साथ ऐसा होता है?
आवाज में दम नहीं होता है। मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैं नासिक से नांदेड़ आने के बाद ऐसा हुआ था, लेकिन एक मालूम था अगर शुरुआत में ये तकलीफें मिल जाए तो आगे रास्ता आसान होगा। और आज ये देख रहा हूं मैं दिल से सभी माय लाइफस्टाइल नांदेड़ परिवार को, जो मेरा माय लाइफस्टाइल का नांदेड़ परिवार है, उनको दिल से नमन करना चाहूंगा कि उन्होंने मेरा सपना पूरा कर दिया। एक दिन मैं भी बताया करता था, आज कोई नहीं आया ना सही, एक दिन आएगा लोग हमारी राह देखेंगे और मैदान में बैठे रहेंगे। ये सपना आज पूरा हुआ दोस्तों मेरा। भले उसके लिए 10 से 12 साल लग गए, लेकिन सपना सपना होता है और जो सपना देखता है उसी का सपना पूरा होता है, क्या सही है? और सपना जिंदा लोग देखते हैं, क्या आप लोग भी जिंदा हो, सपने देखते हो? कितने लोगों ने आज यहाँ पे डिसाइड किया है कि मुझे भी इस स्टेज पे आना है? वाह, जबरदस्त। हम भी आज जैसे आप यहाँ पे आए, मैंने सुना है तेलंगाना से भी लोग आए हैं क्या? एक जोरदार ताली तेलंगाना वालों के लिए भी हो जाए दोस्तों, कि हमने सुना है तेलंगाना से लोग आए। और वो सुन के मुझे याद आया कि हम भी महाराष्ट्र से गुजरात में जाते थे और ऐसे ही छोटा छोटा 10-15 लोगों का ग्रुप वहां पे ऐसे एक कोने में चुपचाप बैठे रहते थे, क्योंकि उधर गुजराती गुजराती चलता था। फिर भी वहां पे बैठ के भी हम लोग ये सोचते थे कि आज अगर ये यहां पे हो रहा है कल अपने यहां पे होना चाहिए। तेलंगाना वालों याद रखना ये बात को, अपने यहां पे होना चाहिए। ये सपना देख के हम लोग गुजरात से आते थे और सोचते थे कभी एक बार जिंदगी में ऐसा प्रोग्राम, ओपन स्टेडियम प्रोग्राम अपने महाराष्ट्र में कहीं पे करेंगे। और ऐसी शुरुआत हो गई, आज बताने में फख्र होता है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में महाराष्ट्र के ऐसा ओपन ग्राउंड प्रोग्राम अपने डायनामिक इवोल्यूशन के माध्यम से होना शुरू हो गया है दोस्तों। ये सपना होता है, क्योंकि सपने देखने चाहिए लेकिन उसको पूरा करने के लिए अच्छा प्लेटफॉर्म चाहिए। और उस प्लेटफॉर्म का नाम है आपका आवाज चाहिए, क्या नाम है? आवाज नहीं आ रहा, क्या नाम है? तो ये प्लेटफॉर्म अगर हमारे सपने पूरे करता है तो 100% हमें ये करना चाहिए। क्यों बोल रहा हूं दोस्तों? क्योंकि इस बिजनेस से पहले मैं नासिक डिस्ट्रिक्ट के सटाना नाम के एक छोटे से गांव में एक सोनार की दुकान के आगे बैठकर मंगलसूत्र में काले मनी पिरोने का काम करता था। दिन का 50-100-200 रुपए दिन का कमाना ना, एक करोड़पति माइलेज फेल करने का डिसीजन लिया दोस्तों मैंने, और आज आपके सामने करोड़पति बन के खड़ा है। ये डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कोई भी इंसान आसानी से इस बिजनेस में डिसीजन नहीं लेता है। मैंने भी नहीं लिया था, क्योंकि दिवाली के दिन मैंने ये बिजनेस देखा था दोस्तों, दिवाली के दिन बिजनेस देखा था। और दिवाली के दिन आपको पता है हम बिजनेस नहीं शुरू करते हैं, हम फटाके फोड़ते हैं। लेकिन उस दिन मुझे जबरदस्ती इस बिजनेस में एंट्री करने के लिए कहा गया, और कहते हैं भगवान किसी ने देखा नहीं है, राइट और रॉन्ग? तोंडा नहीं बोलना का, देवानी दिलाय का, मैं बोलना ना, मैं कस उगस माजा आगा देवी आली तो मैं सब तो सुन गई थी। तैयार बोलाय, तैयार? आता हिंदी बोला लागलं म्हणून काही गडबड झाली का? कॉकटेल भी चालेल ना, कोणा कोणा चालेल, अयो बरेच दिसतं इथं। तर चलो कोई हात बात नाही। तो एक ही चीज मुझे पता थी कि लोगों ने भगवान तो नहीं देखा है, लेकिन मैंने उस दिन इंसान के अंदर भगवान आया था। उस इंसान ने मुझे इस बिजनेस को करने के लिए जबरदस्ती की और वो बिजनेस मैंने शुरू किया। जिन्होंने मुझे इस बिजनेस में जबरदस्ती मेरे घर का दिवाली के दिन गोल्ड गिरवी रख के ये बिजनेस में मुझे लाया है, ऐसे मानव रूपी भगवान हम सबके महागुरु यूटीसी मिस्टर किशोर जी आर्य सर को दिल से वंदन करता हूं दोस्तों। उस दिन अगर उन्होंने जबरदस्ती नहीं की होती तो शायद ये रोडपति ही रहता और कोरोना के टाइम पे शायद सुसाइड करके भगवान को प्यारा हो जाता दोस्तों। क्योंकि ये जिंदगी बहुत पास से देखी थी कि जब पैसा नहीं है तब लोग कैसे हमारे साथ
बातचीत करते हैं, कैसे हमारे साथ रहते हैं और पैसा आने के बाद लोग कैसे रहते हैं, ये मैंने बहुत पास से देखा है। मुझे बचपन से याद है, मुझे मेरी दादी को कैंसर था, पैसे नहीं इसलिए ट्रीटमेंट नहीं हुआ, जान चली गई। मेरी माँ को टीबी था, पैसे नहीं ट्रीटमेंट नहीं हुआ, जान चली गई। मेरी मिसेस का फ्रैक्चर हुआ था, मैं सोनार गली में बैठने वाला इंसान, 1200 रुपया प्लास्टर के लिए भी किसी ने नहीं दिया था। और ये सब देखने के बाद जो सोच आई थी कि फ्यूचर में भी शायद कोई बीमार पड़ जाए तो पैसे के लिए हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े, इसीलिए ये बिजनेस करने का डिसीजन लिया था। जब कोरोना आया दोस्तों, मुझे याद है, अगर मैंने ये डिसीजन नहीं लिया होता तो शायद मांगने वालों की लाइन में मैं खड़ा रह जाता कि मुझे राशन भर के दो, मुझे घर का रेंट भरने के लिए पैसे दो। लेकिन ये माय लाइफस्टाइल का डिसीजन लेने की वजह से मैं मांगने वालों की लाइन में नहीं था दोस्तों, माय लाइफस्टाइल के आशीर्वाद की वजह से मैं देने वालों की लाइन में खड़ा था। ये ताकत ये बिजनेस की। आज भी एक ट्रेजेडी मेरे घर में है, लेकिन आज मुझे खुशी है कि आज मैं ट्रीटमेंट कर सकता हूं। आज मेरे पिताजी को भी कैंसर डिटेक्ट हुआ, आज के 6 महीने पहले डॉक्टर ने ऑलरेडी बोल दिया 6 महीने पहले कि कोई ट्रीटमेंट मत करो, ज्यादा से ज्यादा 3 महीने। आज 6 महीने हो गए, बाहर का एक भी मेडिसिन शुरू नहीं है, सिर्फ 95 शुरू है, सिर्फ 95 शुरू है। और मेरे पिताजी अभी भी स्टेबल है, जिंदा है। ये है इस माय लाइफस्टाइल के प्रोडक्ट की ताकत। मतलब एक सोच था कि अगर घर में कुछ हो जाए तो उस वक्त पैसा चाहिए, आज पैसा भी है और प्रोडक्ट भी है और जिंदगी भी है। ये ताकत मुझे माय लाइफस्टाइल ने दी। क्या आप चाहोगे ये जिंदगी? आवाज में दम नहीं, चाहोगे ये जिंदगी? तो एक ही चीज याद रखना दोस्तों, आज अगर आपने इस बिजनेस को शुरू किया है तो गलती से भी कुछ भी हो जाए, कितनी भी तकलीफें आ जाए, गलती से भी ये बिजनेस का हाथ मत छोड़ना। आएगा बीच बीच में कभी कभी निगेटिविटी, कभी कभी सोच आएगी आपके अंदर कि लोग सुनते नहीं है, लोग आते नहीं है, लोग काम करते नहीं है। मैं कहूंगा लोग काम करे ना करे, सपना अगर मेरा है तो मुझे काम करना पड़ेगा। मैं भी यही सोचता था, लोग आए ना आए, काम करे ना करे, अगर सपना मेरा है, परिवार मेरा है, उसे अगर मुझे अच्छी जिंदगी देनी है तो काम मुझे करना पड़ेगा। लोगों की सोच से मैं तय ही चलूंगा। और आज देख रहा हूं, आज इस बिजनेस में जो ड्रीम रैंक लोग सोचते हैं, जो ड्रीम लेकर आते हैं कि डायमंड बनना है, मुझे बताने में खुशी होती है। आज के 4 दिन पहले जब डायमंड बना ना दोस्तों, मैं करीब करीब 40 बार मैंने मोबाइल ऐप खोल खोल के बार बार देखा है कि सचमुच 00, सचमुच डायमंड। खुद पे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये सच है या नहीं है, लेकिन ये सच हुआ। क्योंकि कहते हैं ना, अगर किसी चीज को आप पूरे दिलो जान से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में एक हो जाती है, और वो मेरे साथ हुआ। और आज मुझे और एक बड़ा गर्व हुआ कि जो डायमंड शिप का पिन होता है वो मेरे मानव रूपी भगवान ने खुद मुझे दिया, प्रेजेंट किया और लगाया। दोस्तों ये कंपनी की ओर से मिलता है ओरिजिनल डायमंड का पिन, जिसका कम से कम कीमत होता है 5 लाख रुपए। उस कीमत के लिए नहीं, लेकिन इस पिन के लिए। जब जब कोई डायमंड बनता था और उसे पिन लगाई जाती थी तो पिन वहां पे लगती थी, चुभती यहां पे थी कि मुझे भी चाहिए। और जब कल निखिल चंदन सर, हमारे फ्यूचर MD सर ने ये पिन प्रेजेंट किया और आज मेरे भगवान रूपी आयरे सर जी ने लगाया, तो मुझे आज लगता है कि मेरा जीवन आज धन्य हो गया।
और आज ये मैं डिसाइड कर चुका हूं कि जैसे मैं डायमंड बना हूं, अभी मेरी टीम में मुझे डायमंड बनाने हैं। तो ये सफर जो है, ये सफर यहां तक रुकने वाला नहीं है। यहां पे तो अभी शुरुआत हुई है दोस्तों, एक ही बोल रहा हूं, आप इस सफर से, शुरुआत के सफर में हमारे साथ हो, क्या आपके डायमंड शिप तक हमारे साथ रहोगे? आवाज नहीं आ रहा है, रहोगे? तकलीफें आएगी, रहोगे? लोग ना बोलेंगे तो भी रहोगे? लोग भाग जाएंगे तो भी रहोगे? घर वाले लात मार के निकाल देंगे तो भी रहोगे? जितने यस यस बोल रहे उतने याद रखना, ऊपर वाला सुन रहा है। अगर झूठ हुआ तो मेरा डायलॉग आज नहीं मारूंगा, लेकिन पुराने लोगों को पता है, जिसकी बात ये उसका डॉट 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 डॉट, पूछ लेना आपके सीनियर को अगला डायलॉग। तो साथ रहना, साथ मत छोड़ना, यही कहूंगा। और जाते जाते अपने माय लाइफ स्टाइल के लिए छोटा सा दो शब्द बोल के निकलूंगा, साथ देते हो तो देना तालियों से। माय लाइफ हमको जान से प्यारा है, माय लाइफ हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्ता हमारा है, सबसे न्यारा गुलिस्ता हमारा है, माय लाइफ हमको जान से प्यारा है। सो विश यू ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।